Hello everyone and a very warm welcome to guys. This is lecture number 25 of MCQ on Indian freedom struggle and important MCQ डिस्कस करेंगे. 10 MCQ डिस्कस करेंगे. इसके पहले हम 5 MCQ डिस्कस करते हैं बट पिछले कुछ दिनों में जो लेक्चर्स मिस उसके लिए हम ट्राई करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर जिन 5 डिस्कस कर रहे थे MCQ वहाँ पर हम डबल कर दें 10 ताकि जो पिछले दिनों के अंदर मिस हुआ है वो कवर अप हो जाए. ओके सो 10 कवर करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बिफोर स्टार्टिंग द MCQ गाइज ये MCQ कॉम्बो कोर्स आपने जरूर करना है. इसका लिंक इधर है. इसके ऊपर भी 50% ऑफ चल रहा है UPSC EFO जब आप कोड यूज करते हो. किसी की पेइंग कैपेबिलिटी नहीं के पास अभी पेइंग कैपेसिटी तो वो भी सिर्फ पैसों की वजह से पीछे ना रहे क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं वो सबके सब इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के ये MCQ को सॉल्व करके जाएं. तो वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करेंगे. उनकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से कहीं पर रिवील जाएगी. कहीं मैं स्नैपशॉट या कुछ लेकर के कहीं नहीं डालूंगा कि देखो मैंने ऐसा कुछ हुआ. तो बस आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मैं पैसे नहीं पे कर सकता, ठीक है. तो अल्टीमेटली लेकिन ये आपने लेना है MCQ कॉम्बो कोर्स. और जब आप ये लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको PDF फाइल्स का एक्सेस भी इसके अंदर मिल जाता है. ओके सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट, यू हैव टू गो थ्रू दिस MCQs. ऑलराइट नाउ पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से. देखो बुक्स वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक हिस्ट्री की NCERTs हैं जिन NCERTs में का जिक्र है वो किताबें तो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवल आनंद मठ के ऊपर भी पता नहीं कितनों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सिर्फ UPSC की अगर मैं बात करूँ या स्टेट सर्विसेज की बात करूँ हर एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो क्वेश्चन क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नॉवल था आनंद मठ ये किस नॉवल किस रिवोल्ट को बेसिकली इसने फेमस किया, किस पर्टिकुलर रिवोल्ट को बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवल आनंद मठ ने फेमस किया. ऑप्शन ए हिल अपराइजिंग, रंगपुर एंड अपराइजिंग, विष्णुपुर एंड बिरभम रिबेलियन एंड डीएस सन्यासी रिबेलियन. तो इजी क्वेश्चन है. अगर एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है NCERTs पढ़ी है तो बहुत इजी को आप आंसर कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन डी सन्यासी रिबेलियन. सन्यासी रिबेलियन के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी के इस नॉवल आनंद मठ के अंदर लिखा गया. कई बार उसने या मैच द फॉलोइंग का वहाँ पर एक साइड पे राइटर का नाम दे दिया एक साइड पे ऑथर का नाम दे दिया, ठीक है, या वो डायरेक्टली पूछता है कि भाई आनंद ये नॉवल है ये किसने लिखा. तो वेरिएशन जो है अलग अलग आता है. ओके सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी. आनंद मठ की बात करें तो देखो जब इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट हुआ तो नया टाइप ऑफ लिटरेरी जेनर जो बेसिकली नॉवल जेनर था वो जनरेट हुआ इंडिया के अंदर 19 के सेकेंड हाफ के अंदर. एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड फर्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर इस पीरियड के थे बंगाली नॉवलिस्ट जो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी. 1838 से 94 के बीच का जो है इनका पीरियड रहा एंड इनके जो नॉवेल्स थे ज़्यादातर हिस्टोरिकल होते थे और इनमें सबसे फेमस है आनंद मठ जो 1882 के अंदर बाहर आया. एंड यही वो नॉवल है जहाँ पे से आपका वंदे मातरम लिया गया है. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है. वंदे मातरम जो आपका नेशनल सॉन्ग है वो बेसिकली आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के, ठीक है. एंड उसके अलावा इसके अंदर सन्यासी रिवोल्ट का डिपिक्शन है जो आपसे अभी हमने क्वेश्चन पूछा था. इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के एक और नॉवल का नाम आप याद रखेंगे जिसका नाम था राज सिम्हा. राज सिम्हा जो नॉवल है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है. तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे. ओके तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. आनंद मठ, सन्यासी रिवोल्ट, वंदे मातरम एंड राजसिम्हा, बंकिम चंद्र चटर्जी. ये सारे फैक्ट्स जो है दिमाग के अंदर चिपका लेने हैं. सेकेंड क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी. तो गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है कि गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में क्या हुआ. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. 4-5 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी याद हो जाता है. तो सिपाही म्यूटिनी किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुई थी. लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड लिटन. तो इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एंड द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का एक बार पीरियड देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर बेटा सबसे पहले तो कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे की यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। रिवोल्ट हुआ 1857 का, एंड रिवोल्ट के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। एंड लॉर्ड कैनिंग विल ऑल्सो बी द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है। इससे पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे सिर्फ। अब इसके बाद वॉइस रॉय भी एक पोजीशन आ गई है ना, तो वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे पहले, ये भी याद रखेंगे। वाइट म्यूटिनी हुई, यूरोपियन ट्रूप्स ने म्यूटिनी कर दी थी 1859 में। होम सिकनेस एंड ऑल वर द रीजंस फॉर दिस, एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 भी इसके टाइम पर पास किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं लॉर्ड कैनिंग के टाइम की, जो आपको ध्यान में रखें। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, स्पेशली स्टेट सर्विस के अंदर, यूपीएससी के सीडीएस टाइप एग्जाम्स के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, डी रघुनाथ बनर्जी। एंड यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश जो है चंद्र विद्यासागर की एक पब्लिकेशन थी। ये एक बॉक्स था एनसीईआरटी के अंदर ही, ये एक बॉक्स है, और ये पूरे का पूरा बॉक्स मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो राजा राममोहन रॉय के न्यूज़पेपर्स के बारे में यहाँ पर मैंशनड है कि भैया देखो, राजा राममोहन रॉय से पहले भी न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन जो इफेक्ट, जो नेशनलिस्ट और डेमोक्रेटिक अप्रोच इन न्यूज़पेपर्स ने अडॉप्ट की वो इससे पहले नहीं थी। तो आपको राजा राममोहन रॉय के जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस या न्यूज़पेपर्स यहाँ पर याद रखने हैं, उसमें आपका संबाद कौमुदी बंगाली के अंदर 1821 के अंदर पहली बार पब्लिश हुआ। मिरतुल अखबार ये पर्शियन के अंदर था, 1822 के अंदर पब्लिश हुआ। न्यूज़पेपर्स के साथ साथ उनका लैंग्वेज भी याद रखना है, वो डायरेक्टली पूछ सकता है, मैच करने को बोल सकता है कि इनमें से कौन सा संस्कृत में था, कौन सा बंगाली में था, कौन सा पर्शियन में था, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पर नाम गिवन है फरदुंजी मुर्जबान का, एंड ये बेसिकली गुजराती प्रेस के पायनियर थे बॉम्बे में, एंड इनने 1822 में बॉम्बे समाचार एज अ डेली न्यूज़पेपर शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश शुरू किया बंगाली में 1858 में। लैंग्वेज सब में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में 1861 में फाउंडेशन हुई। द पायनियर इलाहाबाद में 1865, मद्रास मेल 1868, स्टेट्समैन इन कैलकाटा 1875, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट इन लाहौर 1876। इनकी क्रोनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हो ना, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्टीमेटली यूपीएससी टाइप के एग्जामिनेशन के अंदर सबसे बड़ी बच्चों से प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें नाम याद करके चले जाएंगे, कुछ ऐसा होगा जो लैंग्वेज को इग्नोर कर देंगे, कुछ ऐसा होगा जो ईयर को इग्नोर कर देंगे, और फिर बात ये आ जाती है कि पढ़ा पढ़ाया तो होता लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। तो सारे एलिमेंट्स को जब आप ध्यान में रखोगे ना, आपको बेसिकली यूपीएससी के क्वेश्चंस का ट्रेंड याद में रखना है कि यार ये किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेरे से डेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेरे से फाउंडर के नाम के हिसाब से क्वेश्चन सकता है, ये मेरे से लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में आया था, पायनियर इलाहाबाद में आया था, ठीक है, स्टेट्समैन कैलकाटा में आया था, ये मेरे से क्रोनोलॉजी के ऊपर। जब ये 3-4-5 एलिमेंट आपके दिमाग में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप एक सेम चीज को उस 4-5 एलिमेंट के हिसाब से देख करके लर्न करोगे और आपका काम हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे हटाया। ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, कुछ झांसी, नागपुर, सतारा, ये तो सारे किस पे गए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे, ठीक है। ये तो सारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर इन्होंने ये थे। अवध था जिसको इन्होंने किया था आपके बेसिस पे मिस गवर्नेंस के, बेसिकली था क्या, देखो अब अवध सब्सिडरी अलायंस का पार्ट था, ठीक है, शुरू से 70 सालों से सब्सिडरी अलायंस का पार्ट था। सब्सिडरी अलायंस का पार्ट होने की वजह से ये जो ब्रिटिश फोर्सेस वगैरह सब रहती थी अवध के अंदर, उनके सारे खर्चे इनको उठाने पड़ते थे। अब वो खर्चे उठाने के चक्कर में टैक्स लगाया जाते थे लोगों के ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। ऊपर से करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत सारे एक्सट्रैक्शंस करते थे अवध में से, और इसी वजह से अल्टीमेटली वहाँ पर फिर डलहौजी ने अपने टाइम में स्लीमन को भेजा कि भाई जाकर के देखो कि वहाँ पर क्या गड़बड़ है। तो स्लीमन ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि यहाँ तो भैया बहुत बुरा हाल है, मिसगवर्नेंस के पूरे सिस्टम है, और इन्हीं सब रिपोर्ट्स के ऊपर फिर उसको 1850 एनेक्स कर लिया गया था। तो अवध जो है वो एनेक्स हुआ था मिसगवर्नेंस के बेसिस पे, और बाकी के तीन जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस देख रहे हो, टाइम एंड अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, पहला फैक्ट्री एक्ट जो बेसिकली वर्किंग आवर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता था वुमेन एंड चिल्ड्रन और लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया था रूल्स बनाने के लिए, ये किसके टाइम पर आया? ये क्वेश्चन भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है लिटन, बी बेंटिक, सी रिपन, डी कैनिंग। अगेन गवर्नर जनरल बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर होगा ऑप्शन सी रिपन। रिपन का मैं आपके साथ 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर है, मैं दोबारा उसको नहीं। इनमें से कौन से यूरोपियंस प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर लास्ट आए थे एज ट्रेडर्स? आखिरी में आने वाले जैसे कौन यूरोपियंस थे? डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। और देखो यहाँ पर आखिरी भी लिखा है। अब दूसरा इसका वेरिएशन क्या हो सकता है? फर्स्ट हो सकता है। उसके अलावा इसका वेरिएशन क्या हो सकता है? क्रोनोलॉजी हो सकता है। वो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये 1 2 3 4 करके दे देगा, फिर नीचे कह देगा कि क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो 3 वेरिएशन हो सकते हैं, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को तैयार करना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। फ्रेंच जो थे वो आखिर में आए थे, सबसे पहले आए थे आपके पोर्टुगीज इंडिया में एज अ ट्रेडर 1498 में, उसके बाद आए थे डच 1602 में, उसके बाद सॉरी आए थे आपके इंग्लिश 1599 में, 1599 में इंग्लिश आए थे, और फिर आए थे आपके 1602 में डच, एंड फाइनली फिर आपके आए थे फ्रेंच, फिर फाइनली आपके फ्रेंच आए थे 1604 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो तंग करता है। मैं आपको इसके लिए क्लियर एक चीजें बता देता हूँ, आपने जो ध्यान में रखनी है। क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ओनली गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आ जाते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ये थे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद आ गए आपके बेंटिक, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर आ जाते हैं आपके क्लाइव कैनिंग, ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट वॉइस रॉय। ये याद रख लेना, क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का, कैनिंग पहला वॉइस रॉय था। तो क्वेश्चन में क्या है? रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, गलत हो गया। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एट्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? पहला फोर्ट जो ब्रिटिश ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया, एंड दैट वाज योर फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज अगर आप देखते हो तो ये 1644 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, पहला फोर्ट था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्ट आपका कंस्ट्रक्ट हुआ 1670 में, दैट वाज योर फोर्ट सेंट डेविड। उसके बाद जो नेक्स्ट था फोर्ट विलियम कैलकाटा में 1781 में। अब ये जो फोर्ट एंग्लो है ना, ये कंस्ट्रक्ट तो 1505 में हो गया था, बट ये ब्रिटिशर्स ने नहीं कंस्ट्रक्ट किया था, ये पोर्टुगीज ने कंस्ट्रक्ट किया था, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किताब लिखी बहु विवाह? राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रामाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर। अगेन द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बेसिकली पॉलीगैमी या मल्टीपल मैरिजेस के अगेंस्ट थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उसी के ऊपर ये किताब थी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है एंड आंसर ऑलरेडी शो हो रहा है आपको। तो डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया, राइट आंसर इज राजा राममोहन रॉय। तो ये तीनों करके आपका हिंदू कॉलेज बनाया था 1817 में, डेविड हेयर, एलेक्जेंडर डफ और राजा राममोहन रॉय उसके पार्टनर थे, ओके। तो दीज वर द 10 क्वेश्चन गाइज, आई होप यू गाइज लाइक डेट। एंड कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप जरूर करें, या मेल करें, या टेलीग्राम करें। कॉल डायरेक्टली करने से पहले एडवाइजेबल ये है कि आप डायरेक्टली कॉल करोगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि है ना भी उठ पाए आप, ये क्योंकि मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है स्टाफ का या सपोर्ट का नंबर दे दिया है, मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको क्लास ले रहा हूँ या तो पीपीटी कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन ना भी उठे तो आप बेटर है मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, वो बेस्ट पे है, हम उसके हिसाब से फिर कॉल शेड्यूल कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड वो एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स सबने लेना है, उसके पास पैसे नहीं है तो व्हाट्सएप कर दो, और पीडीएफ भी उसके अंदर आपको मिल जाएगी अलग से, अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।